एक गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। जब वो बछड़ा 1.5 साल का होता है, उसकी नाक फोड़ी, सरोंद गाल दिया, सारी जवानी उसने कमाया। जब बुढ़ापा आ गया, जब उसने वो बेचन चालिया, वो बड़द रोकता रोकता एक बात के द्वारा क्या करता है सुनिए। मंडास पगड़ी वाला राम निवास जी जासवा से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। मंडास बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहल वो गऊ का जाया, उस किसान से कहता रे अन्यायी, अरे मैं 1.5 साल का था जब तने धंधा लाया था, न्यू होता 1.5 साल के तेरे बालक कोई काम करे आ रहे। क्या कहता है अरे 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था, जब बन्ना के सरोंद लाया था, उम्र 2 बरस थी जब मेरी हलाया था, और जोड़ा और काटी खची कोल्हू तेरा चलाया था, आया कर दिया गौ माता ने मन जितना दूध पिलाया था, आया कर दिया गौ माता ने जितना दूध पिलाया था, तेरा कमा कमा कर ठोक दिया, कमा कमा कर ठोक दिया, जरी उच्ची राखी शान के मेरे मालिक, कदे तेरे गैल कमाण में मैंने घाम नहीं देखा, कदे गर्मी नहीं देखी, कदे सर्दी नहीं देखी, बस तेरा एक इशारा तेरी एक पिचकारी के साथ चला कर दे। आज इन बेदर्द कसाईयों के हवाले करे, वो बैल एक गौ का जाया, रोता रोता अपने मालिक से क्या अरदास करता है। अरे जाटे मैं
तेरी कैल थरिया साचे और गाम मकैल पड़ा करता डूबे अड़की फारी कचकारी कैल सल्या करता नहीं कटे थी काली मनी कंधा खूब चढ़ा करता चुन सापोया ती चमने तेरे सहसर गुणा फड़ा करता लगो गौर करो आज ट्रैक्टर की खेती रुन बढ़ रहा है खेती में कितना अंतर है परम श्रद्धा बाबा भूरानाथ जी 500 रुपए से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं चरणों में नतमस्तक है बार बार आदेश है नमो नारायण लगो गौर करो एक सूरजमल दिखेगान में ये सारे घड़ियान में 57 साल की उम्र है और मेरी 27 की हो ही नहीं है देख लो कौन सा गाभरू लग गया उस खाने में आज के खाने में इतना अंतर है तेरे सरस में गेहूं जवार बाजरा सरस में गेहूं जवार बाजरा अरे बोए ई छोरे दान मन आ हुदा का करवा करके अतना दे दान मन इनका दे सतना रे रा मैं अपने अंतर आत्मा से एक बात कहता हूं ध्यान लगा के सुनिए कैसे और ध्यान लगा के सुन अन्नदाता और ध्यान लगा के सुन अन्नदाता मेरी बात में गोर नहीं सारी जवानी खेत कमाया होया कदे डामा गोर नहीं आया बूटा का बेचन तल्या और कोटी का मेरा मोल नहीं बस सारा दर्द सुना चुना मेरा बेशक मुंह में बोल नहीं सारा दर्द सुना चुना मेरा बेशक मुंह में बोल आदरणीय महावीर पंडित जी 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं लगातार 4 दिन से मंच संचालन किया है 100 रुपए से और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं निवाला रे बेदर्दी कुछ नहीं चाहिए बस तेरे हाथ में तेरे हाथ की माटी चाहू मेरा आखिरी समय आ गया तेरे थान में पैर पसारू तेरे थान में पैर पसारू या दीक्षा के जमान में आ बुढ़ापा करवा कर कर अपना दे किसान में इधर का दे दे साहब मुंडाड़ा गांव से 100 रुपए देते बार बार धन्यवाद मेरे लिए आदरणीय कोच साहब सूरजमल जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं इतनी मेहनत करते हैं
और इनके साथ के इनके साथ प्रैक्टिस करने वाले दो चार मारे गांव में भी है। हाँ सूरजमल जी, मारे गांव के भी है ना दो चार, मादल गांव से हैं। सूरजमल जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। जो 100 रुपए से पिता तुले बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, बार बार धन्यवाद। बीकेटी आरओ वाटर सप्लायर चार जन यो पानी दिया हम नदी, बहुत बढ़िया सेवा दी है भाइयों ने। 200 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। परमात्मा इनका मोज रखे ना, तो पानी का जिक्र एक महाभारत में भी होया था। जिस समय अभिमन्यु साधे किले को भेद देता है, आटा किला रह गया, चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया, कर्ण की तरफ इशारा किया, तऊ पानी पिलाने नहीं, वह दल दल अड़गी कर्ण का अन्य का पानी था, यह धर्म का पानी है। जोरदार तालियां बजाएं, बार बार धन्यवाद है। मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा, आदरणीय परम गुरु श्री भोरानाथ जी का मान सम्मान करें, मेमेंटो देकर के और लोई देकर के उनका मान सम्मान करें, और इसके बाद में ढोलाला भी आ जाओ भाई। हाँ एक एक कली रह गई, मैं गाऊं तेरी फोटो भी खींच जाएगी। रमत ने हवाले करे मने, रमत ने हवाले करे मने, तू इन बेदर्द कसाईया के थे मन मेरा गात फसा दे, दया नहीं अन्याय के, तेरी नाड़ पे आराधन दे नगलानत जननी मैया के, तेरे तेरे नहीं दोष जड सारे हिंदू भैया के, सिंगई पर मेरी मरती, सिंगई पर मेरी